तो फाइनली गाइस मैं अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को ले लिया और ऑटो रिक्शा काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को कैसे ले सकते हो और इसका सीट को नंबर क्या है चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले गाइस आप लोग ये देख लो गाइस मैं अपने गेम के अंदर लाइन को ले लिया और लाइन काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। तो मैं अपने गेम के अंदर लाइन को कैसे ले और आप लोग अपने गेम के अंदर लाइन को कैसे ले सकते हो और इसका सीट को नंबर क्या है चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और गाइस आप लोग ये देख लो गाइस मैं अपने गेम के अंदर न्यू ट्रेन को ले लिया और न्यू ट्रेन काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। तो किस लोकेशन पे आप लोग न्यू ट्रेन देखने को मिलेगा चलो मैं आप लोग इसका लोकेशन बता रहा हूँ। और गाइस आप लोग ये भी देख लो गाइस मैं अपने गेम के अंदर रैन मोड को सीट को नंबर करके एक्टिवेट करा लिया है। तो कौन सी चीज को नंबर से आप लोग रैन मोड को एक्टिवेट करा सकते हो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और गाइस अगर आप लोगों को टॉप 4 अपडेट के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को टॉप 4 अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग खुशी से नाचने वाले हो। और साथ में मैं आप लोगों को गुड न्यूज भी दूंगा और इंडियन बाइक ड्रॉपिंग सर्विस में आने वाला अपडेट कब देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर। गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा आप लोग अपने गेम के अंदर न्यू ट्रेन को कैसे ले सकते हो और न्यू ट्रेन कहाँ पे देखने को मिलेगा इसका लोकेशन क्या है चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो न्यू ट्रेन के लोकेशन पे जाने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना है तो सबसे पहले तो भाई किसी व्हीकल्स को स्पॉन करा लेना है। तो चलो गाइस मैं न्यू अपडेट में आने वाले हैमर कार को स्पॉन करा लेता हूँ। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे हैमर कार को स्पॉन करा लिया है। आप लोग किसी व्हीकल्स को स्पॉन करा सकते हो और इसका कलर चेंज करना चाहो तो आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो। और हाँ गाइस यहाँ से आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना नहीं तो गाइस आप लोग न्यू वाले ट्रेन के लोकेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो गाइस आप लोग क्या करना है तो पुलिस स्टेशन से आना है और आप लोगों को राइट में मुड़ जाना है और राइट होने के बाद गाइस फिर से आप लोगों को लेफ्ट हो जाना है और लेफ्ट होने के बाद गाइस आप लोगों को सीधे चले जाना है ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं सीधे जा रहा हूँ और आप लोगों को आगे जो टर्निंग मिलेगा उससे भी आप लोगों को राइट हो जाना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने एयरपोर्ट को क्रॉस कर लिया है। एयरपोर्ट को क्रॉस करते हैं आप लोगों को टर्निंग मिलेगा उससे आप लोगों को राइट हो जाना है और राइट होने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को कार को फुल्ली स्पीड करना है और आप लोगों को फिर से आगे टर्निंग मिलेगा उससे आप लोगों को लेफ्ट हो जाना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे को टर्निंग मिल चुका है तो चलो मैं लेफ्ट हो जाता हूँ। इसके बाद गाइस आप लोग कार को कहीं भी मूव नहीं करना है टर्निंग वगैरह पे। इसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे कार को फुल स्पीड करके आप लोग को विलेज वाले एरिया के पास लेके चलना है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग विलेज वाले एरिया के पास आ चुके हैं। मैंने कहीं भी कार को यहाँ पे अभी मूव नहीं करा है। जैसे गाइस आप लोग फुल स्पीड करके सीधे आओगे तो गाइस आप लोग सीधे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओगे। आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाइस आप लोग को ओल्ड वाली ट्रेन देखने को मिलती है। ये जो ट्रेन है ये ओल्ड हो चुकी है हमारे गेम के अंदर। इससे पहले हमारे गेम के अंदर एक और ट्रेन ऐड करी गई थी जिसका आप लोग पिक सामने देख सकते हो। ये वाली इंडियन ट्रेन से पहले गाइस अमेरिकन ट्रेन हमारे गेम के अंदर था लेकिन गाइस आप लोगों ने कमेंट करा भाई हमारा जो गेम है वो इंडियन है इसे इंडियन ट्रेन को ऐड करवाओ। तो डेवलपर ने हमारे गेम के अंदर से अमेरिकन ट्रेन को रिमूव करके उसके जगह पे गाइस इंडियन ट्रेन को ऐड करा था जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस अब आप लोग कमेंट करो भाई ये वाले ट्रेन को रिमूव कर दो और इसके जगह पे हमारे गेम के अंदर वंदे भारत ट्रेन को ऐड कर दो। आने वाले अपडेट में आप लोगों को वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी या फिर नहीं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग ट्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस आप लोग क्या करना है तो फोन को ओपन करना है और गैलरी के नीचे आप लोग ट्रेन कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। ट्रेन कंट्रोल के अंदर जाते हो तो आप लोग को सबसे पहले इंजन का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग इंजन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और उसके नीचे आप लोग को फॉरवर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा तो फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग फॉरवर्ड करोगे तो गाइस आप लोग का जो ट्रेन है वो आगे की तरफ रन करने लगेगा। आप लोग देख सकते हो हमारा जो ट्रेन है वो आगे की तरफ रन कर रहा है। अगर आप लोग ट्रेन को बैक करना चाहते हो ट्रेन को रोकना चाहते हो तो वो भी आप लोग फोन की मदद से कर सकते हो। तो आप लोग को ट्रेन कंट्रोल में चले जाना है और यहाँ पे गाइस आप लोग को बैकवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप लोग ब्रेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग का जो ट्रेन है गाइस वो रुक जाएगा और बैकवर्ड का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग का जो ट्रेन है वो रिवर्स होने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अभी बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और अभी आप लोग देखना गाइस हमारा जो ट्रेन है वो बैक होने लगेगा। चलो मैं आप लोग को स्नाइपर गन से दिखा देता हूँ कि ट्रेन बैक होता है या फिर नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारा जो ट्रेन है वो यहाँ पे बैक हो रहा है। तो गाइस आप लोग फोन की मदद से ट्रेन के अंदर बिना बैटरी ट्रेन को रन करा सकते हो, ट्रेन को बैक कर सकते हो, ट्रेन को फॉरवर्ड कर सकते हो। ट्रेन के हॉर्न भी आप लोग को मिल जाए तो उस पर क्लिक करोगे तो ट्रेन का आप लोग को साउंड सुनाई देगा यानी कि ट्रेन के हॉर्न का साउंड सुनाई देगा। तो काफी बंदे को मोबाइल फोन से ट्रेन को कंट्रोल कैसे करते हैं नहीं पता था तो मैं आप लोग को बता दिया कि ट्रेन को आप लोग मोबाइल फोन से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब है यस गाइस आप लोग को वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगा लेकिन गाइस इसमें अधिक टाइम लगेगा। मैं आप लोग को पहले ही बता दूंगा वंदे भारत जो ट्रेन है इसका जो मॉडल है वो अवेलेबल है लेकिन इसमें लेट क्यों देखने को मिलेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस जो वंदे भारत ट्रेन का फीचर है वो कुछ अलग है तो उसको भाई मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाइस आप लोग को वंदे भारत ट्रेन तो देखने को मिलेगा लेकिन इसके लिए आप लोगों को 1 से 2 मंथ का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग अधिक से कमेंट करोगे डिमांड बढ़ाओगे तो जैसे की तरह हमारे गेम के अंदर भी वंदे भारत ट्रेन फटाक से ऐड कर देंगे। तो उस टाइप का आप लोग को डिमांड करना होगा, उस टाइप का आप लोग को कमेंट करना होगा। तो अगर आप लोग को इसी बार की अपडेट में न्यू ट्रेन चाहिए यानी कि वंदे भारत ट्रेन चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे अधिक से अधिक कमेंट करो वंदे भारत ट्रेन के लिए
और अधिक से अधिक डिमांड बढ़ाओ और मैं कम्युनिटी पोल डाल दूंगा तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कर देना। हमारे आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाएगा और जैसे आज हमारे गेम के अंदर वंदे भारत ट्रेन ऐड हो जाएगा उसके बाद हमारे गेम के अंदर से ये वाली ट्रेन को रिमूव भी कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे गेम के अंदर एक ही ट्रेन आप लोग को मिलने वाला है और जैसे हमारे गेम के अंदर वंदे भारत ट्रेन ऐड होगा तो वो भी आप लोग को इसी लोकेशन पे देखने को मिलेगा। लोकेशन चेंज नहीं होने वाला है रेलवे स्टेशन का। तो आप लोग को आने वाले अपडेट के अंदर गाइस वंदे भारत ट्रेन चाहिए तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कर देना ताकि आप लोग को आने वाले अपडेट के अंदर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाए क्योंकि मॉडल अवेलेबल है। अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करते हो तो डेवलपर हमारे गेम के अंदर वंदे भारत ट्रेन को ऐड कर देंगे तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कर देना ताकि आने वाले अपडेट के अंदर गाइस आप लोग को वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाए। आप लोग को आप लोग अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या होने वाला है तो चलो मैं आप लोग को ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर बता रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को चीट कोड नंबर बताता हूं तो गाइस 6677 डाल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर जैसे भी देखने को मिलेगा न्यू अपडेट में आने वाली। एंड अगर आप लोग 3880 डाल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर न्यू अपडेट में आने वाली हैमर कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहां पे 3100 डाल करते हो तो आप लोग को न्यू अपडेट में आने वाली ब्लोरो कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ब्लोरो कार्ड का कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को ब्लोरो कार्ड के गेट के पास चले जाना है और गैलरी वाले ऑप्शन में आप लोग को चले जाना है और वहां पे आप लोग काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी आप लोग को कलर फेवरेट लगे वो आप लोग कलर एक्टिवेट करा सकते हो। गाइस काफी बंदे को अभी तक जेट पैक और मिनी जेट पैक का चीट कोड नंबर नहीं पता है तो चलो मैं आप लोग को जेट पैक मिनी जेट पैक का चीट कोड नंबर बताता हूं। तो जैसे आप लोग अपने गेम के 320 डाल करते हो तो आप लोग गेम के अंदर जेट पैक देखने को मिलेगा और मिनी जेट पैक को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को 330 डाल करना होगा। एंड आप लोग गेम के अंदर गाइस मिनी जेट पैक देखने को मिलेगा तो आप लोग देख सकते हो 330 डाल के और यहां पे मिनी जेट पैक स्पॉन हो चुका है। तो जेट पैक मिनी जेट पैक का चीट कोड नंबर बता दिया है। अब मैं आप लोग को आर्मी टैंक का चीट कोड नंबर बताता हूं। तो आर्मी टैंक के लिए गाइस आप लोग को डाल करना होगा 4040। जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 4040 डाल करते हो तो आप लोग को गेम के अंदर गाइस आर्मी टैंक देखने को मिलेगा। आप लोग को आप लोग अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का फोन से चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो। तो ऑटो रिक्शा को स्पॉन करने के लिए गाइस 7000 डाल करना होगा एंड आप लोग गेम के अंदर गाइस ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाएगा। आप लोग 7000 बाइक गेम के अंदर डाल करोगे तो आप लोग को ऑटो रिक्शा देखने को नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आप लोग को बाइक देखने को मिलेगा। अभी आप लोग ऑटो रिक्शा को ड्राइव करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को इंडियन ड्राइविंग ओपन वर्ल्ड गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आप लोग को इस गेम के अंदर गाइस ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर बता देता हूं। उसके लिए गाइस आप लोग को 7000 डाल करना होगा एंड इस गेम के अंदर गाइस ऑटो रिक्शा स्पॉन हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे ऑटो रिक्शा स्पॉन हो चुका है। अगर आप लोग इंडियन ड्राइविंग ओपन वर्ल्ड वाला ऑटो रिक्शा हमारे बाइक गेम के अंदर ऐड करवाना चाहते हो तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करना कि भाई इंडियन ड्राइविंग ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर जो ऑटो रिक्शा देखने को मिल रहा है वो ऑटो रिक्शा हमारे बाइक गेम के अंदर ऐड कर दो। अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करोगे तो मैं डेवलपर को बोल दूंगा कि इंडियन ड्राइविंग ओपन वर्ल्ड गेम के अंदर जो ऑटो रिक्शा मिलता है वैसा ऑटो रिक्शा हमारे बाइक गेम के अंदर ऐड कर दो। डेवलपर हमारे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का भी ऐड कर देंगे। जैसे हमारे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोग को ऑटो रिक्शा का गेम प्ले भी दिखा दूंगा और साथ ही मैं आप लोग को चीट कोड नंबर भी बता दूंगा उस गेम के लेके अंदर। आप लोग अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर करके इसमें आप लोग ऑटो रिक्शा के कमेंट का अधिक से अधिक कमेंट करवा देना ताकि आप लोग को आने वाले अपडेट के अंदर ही ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार के अपडेट में आप लोग ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाए। आप लोग ऑटो रिक्शा के लिए अधिक से अधिक कमेंट कर देना और अधिक से अधिक डिमांड बढ़ाओ और मैं कम्युनिटी पोल डाल दूंगा ऑटो रिक्शा के लिए तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक वोटिंग कम्प्लीट करवा देना। अगर आप लोग वहाँ पे 20+ वोटिंग कम्प्लीट करवा दोगे तो 100% संभावना हो जाएगी आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट जरूर कर देना ताकि आप लोग आने वाले अपडेट के अंदर ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाए। मैं आप लोग को भेजूंगा आज आप लोग अपने गेम के अंदर लाइन को कैसे ले सकते हो और लाइन का चीट कोड नंबर क्या है। तो गाइस आप लोग को लाइन के लिए ना ही कमेंट करना है और ना ही डिमांड बनाना है। आप लोग ऑलरेडी लाइन के लिए इतना ज्यादा कमेंट कर चुके हैं और इतना ज्यादा डिमांड बना चुके हैं तो डेवलपर लाइन का मॉडल ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे उन्हें बढ़िया सा मॉडल मिलेगा तो हमारे गेम के अंदर लाइन को ऐड कर देंगे और लाइन ऐड होते ही मैं आप लोग को लाइन का गेम प्ले दिखा दूंगा। और अभी आप लोग लाइन को ड्राइव करना चाहते हो और लाइन का चीट कोड नंबर जानना चाहते हो तो इससे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा तो आप लोग जाके वो वीडियो को वॉच करना। उस वीडियो के अंदर आप लोग को लाइन का चीट कोड नंबर मिल जाएगा और लाइन को कैसे राइड करना है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग लाइन को राइड भी कर पाओगे तो आप लोग उस वीडियो को जाके वॉच जरूर कर लेना। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, लाइन के लिए छोटा मोटा आप लोग कमेंट भी करते रहना ताकि डिमांड कम ना हो। लाइन के लिए मैं फिर से वोटिंग डालने वाला हूँ तो उसमें भाई आप लोग 20+ वोटिंग जरूर कम्प्लीट करवाना। आने वाले अपडेट के अंदर ही लाइन देखने को मिल जाए। मैं आप लोग को आप लोग अपने गेम के अंदर रैंड मोड को कैसे ले सकते हो, रैंड मोड को एक्टिवेट कौन से चीट कोड नंबर से करवा सकते हो। तो गाइस रैंड मोड हमारे गेम के आने वाले अपडेट के अंदर आप लोग को मिलने वाला था। आप लोग इस अपडेट में नहीं, आप लोग इससे पहले वाले अपडेट में भी आप लोग रैंड मोड का काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो। तो गाइस मैं डेवलपर को बोला था कि रैंड मोड को ऐड कर दो तो डेवलपर का रिप्लाई आता है कि रैंड मोड को ऐड करा जाएगा तो गेम में परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, यानी कि गेम का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा और गेम में लैग का प्रॉब्लम आ सकता है। रैंड मोड का गाइस सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसका सॉल्यूशन मिलने के बाद ही गाइस हमारे गेम के अंदर रैंड मोड आएगा। तो जैसे रैंड मोड कन्फर्म वगैरह होता है मैं आप लोग को वीडियो बना के जरूर इन्फॉर्म करूंगा। गाइस अगर आप लोग सेकंड तरीके से गेम के अंदर रैंड मोड को एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं आप लोग को सेकंड चीट कोड नंबर वाली वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग रैंड मोड को कैसे एक्टिवेट करा सकते हो।
जीटीए मोड को कैसे ले सकते हो, ट्रैक्टर को कौन से जीत को मैसेज स्पॉन करा सकते हो, साथ ही आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस न्यू वाले एरोप्लेन को कैसे उड़ा सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को सीक्रेट वीडियो के अंदर पता चलने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को झोप रहे हो। मैं गाइस आप लोगों को गुड न्यूज देता हूं, उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को टॉप 4 अपडेट के बारे में बताता हूं। अगर आप लोगों को टॉप 4 अपडेट के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं आप लोगों को कल के वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को टॉप 4 अपडेट के बारे में बताया था, लेकिन काफी बंदे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं इसलिए उनको पता नहीं होता कि टॉप 4 अपडेट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। तो चलो मैं आप लोगों को टॉप 4 अपडेट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जो अपडेट है गाइस वो है हॉस्पिटल का। जी हां गाइस 50% कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को आने वाले अपडेट के अंदर हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, लेकिन ये 50% ही कंफर्म हुआ है क्योंकि अभी जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ऊपर वर्क चल रहा है, तो जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद ही हॉस्पिटल से वर्क स्टार्ट होगा, इसलिए 50% डेवलपर ने कंफर्म करा है। और दूसरा जो अपडेट है गाइस वो है निशान जीटीआर कार का। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो जीटीआर कार का, तो दूसरा जो अपडेट होने वाला है वो निशान जीटीआर कार का ही है, तो आने वाले अपडेट के अंदर आप लोगों को निशान जीटीआर देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो अपडेट है गाइस वो इंडियन ट्रक का। गाइस आप लोगों को इंडियन बाइक ड्रैगन फ्लूट गेम के अंदर दो दो ट्रक देखने को मिलता है, एक आप लोगों को सिंपल ट्रक और एक आप लोगों को ट्रक के साथ ट्रॉली भी देखने को मिलता है। तो जो सिंपल ट्रक देखने को मिलता है उसको गाइस हमारे गेम के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा और उसके जगह पे गाइस हमारे गेम के अंदर इंडियन ट्रक को ऐड करा जाएगा। तो इंडियन ट्रक में आप लोग कौन सी ट्रक ऐड करवाना चाहते हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो। इंडियन ट्रक को ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा वो वाली इंडियन ट्रक हमारे गेम के अंदर आने वाले अपडेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और चौथा जो अपडेट है गाइस वो खतरनाक होने वाली है आरजे स्टूल के अंदर। इस बार की अपडेट में कोई भी फीचर आप लोगों को उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला था, तो इस बार की अपडेट में आरजे स्टूल के अंदर न्यू फीचर दिया जाएगा और वो जो फीचर है वो डेंजर लेवल का फीचर रहेगा। अगर आप लोगों ने GTA 5 की वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर भाई तबाही वगैरह आता है, तो वो वाला फीचर हमारे गेम के इस बार की अपडेट में आ सकता है। और बात करें गाइस गुड न्यूज की, तो गुड न्यूज ये है कि हमारे गेम के ऊपर वर्क स्टार्ट हो चुका है और पुलिस स्टेशन है ना उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो वर्क चल रहा था वो भी कल परसों के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एंड गुड न्यूज की बात करें तो गुड न्यूज ये है कि गाइस इस बार की अपडेट के अंदर आप लोगों को एक सुपर बाइक मिलने वाला है। आप लोगों को पता है कि भाई आपकी अपडेट आ चुका है लेकिन सुपर बाइक हमारे गेम के अंदर नहीं आया है। आप लोगों को नॉर्मल वाली यानी कि स्प्लेंडर वगैरह देखने को मिलता है, बाइक को रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन सुपर बाइक आप लोग गेम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो सुपर बाइक हमारे गेम के अंदर आने वाला है गाइस, तो कौन सी सुपर बाइक ऐड करना चाहते हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो। जो भी सुपर बाइक के लिए अधिक कमेंट रहेगा मैं डेवलपर को बोल के ऐड करवा दूंगा। और हमारे गेम के अंदर और भी काफी सारी चीजें आने वाली है गाइस, मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताता रहूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों को ड्रैगन फ्लूट गेम का न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू टाटा बाय बाय।